हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू गेमिंग में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के उन ग्लिचेस के बारे में जिनका फ़ायदा आप नहीं तो आपके एनिमीज़ उठा के आराम से आपको डिफीट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं। इस ग्लिच का फ़ायदा आप गेम के बीच में तो उठा ही सकते हैं और साथ में अगर जो लास्ट जोन है वो इस एरिया पर बनता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप उस टाइम पर उठा सकते हैं इस ग्लिच का। तो जो सबसे पहले लोकेशन मैं आपको बताऊँगा वो है सेल्टर पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्लिच कहाँ पर होगा सेल्टर में और कैसे करेंगे आप इसे। तो वैसे अगर आप सेल्टर के अंदर आ जाते हैं तो आपको सेल्टर के इस कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहना है कि वो आपको अंदर को पुश करे, सेम वैसे ही जैसे मैंने स्कूल का ग्लिच बताया था। और जिन्होंने भी अभी तक स्कूल में ग्लिच नहीं देखा है स्विमिंग पूल का, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऊपर भी एक कार्ड आ जाएगा, आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप सीधे अंदर आ जाएंगे सेल्टर के और यहाँ आपको कोई भी एनिमी नहीं देख सकता है और इवन आप यहां से बाकी एनिमीज़ की पोजीशन भी बता सकते हैं अगर जोन लास्ट में यहां पर बनता है तो। और यहां पर से आप जो बंदे सेल्टर के अंदर है आप उन पे फायर भी कर सकते हैं, जैसे कुछ एंगल्स बन गए यहां पर, वहां पर से आप एनिमी पर शूट कर सकते हैं। बाकी मैंने यहां पर से ही एनिमी को फायर करके डाउन कर दिया और मैं आपको दूसरा एंगल भी बताता हूं जहां पर से आप आराम से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ एंगल है जहां पर से अगर सेल्टर के अंदर कुछ एनिमीज़ आ चुके हैं तो आप उनको भी डाउन कर सकते हैं यहां पर से। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर से आप जो सेल्टर के बाहर एनिमीज़ हैं उनकी लोकेशन भी आप इजीली पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर से आप पीछे फायर तो नहीं कर सकते पर जो पीछे रोड साइड का एरिया है सेल्टर के पीछे का, वहाँ पर के एनिमीज़ की पूरी पोजीशन आप पता लगा लेंगे। और मैं आपसे कहूँगा अगर आप इसके अंदर आते हैं तो काफ़ी सारी हेल्थ किट लेके आइए, क्योंकि अगर लास्ट जोन अंदर बनता है इस साइड पर बनता है तो आप हीलिंग गेम करके जीत सकते हैं, क्योंकि एनिमी को आपकी पोजीशन का कोई पता नहीं होगा। और ये जो ट्रिक है वो डुओ और स्क्वाड में ही आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि सोलो में आपके पास पार्टनर नहीं होगा। और अब अगर आपको यहाँ से बाहर आना है तो यहाँ से बाहर आने के लिए आपको सीधे जो आपको यहाँ पर ज़मीन ख़त्म हो रही है यहाँ पर आप जंप करिए और यहाँ से आप सीधे बाहर आ जाएंगे। और आप यहाँ से सीधे सेल्टर के ऊपर आएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सराउंड में एनिमीज़ ना हो। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे दूसरे ग्लिच की लोकेशन की, जिसमें लोकेशन है मिलिट्री बेस सी बिल्डिंग के। इस ग्लिच को आप तीनों बिल्डिंग में से किसी भी बिल्डिंग में कर सकते हैं, पर अगर आप बीच वाली जो सेंटर बिल्डिंग है उसमें करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। इस ग्लिच के लिए भी आपको अपने एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ग्लिच भी डू और स्क्वाड में ही होगा। तो आपको करना ये है, इस कॉर्नर पर आना है और अपने पार्टनर से कहना है कि वो प्रोन होकर आपको अंदर को पुश करे, और जैसे ही वो अंदर को आपको पुश करेगा तो आप ग्लिच से सीधे अंदर घुस जाएंगे। और आप सीढ़ियों के पास पहुंच जाएंगे तो इस लोकेशन पे आपको यहाँ पर कोई नहीं देख सकता और यहाँ पर से आप एक काफ़ी अच्छा एंगल होल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से आपके जो नज़रों में है वो टावर भी आ जाएगा और साथ में अगर कोई बिल्डिंग में रस करता है तो आप उसे इजीली मार सकते हैं यहाँ पर से। और ये ग्लिच आपको एंड जोन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि अगर आप एक ऐसी पोजिशन पर जहाँ पर आपको कोई नहीं देख सकता और जोन आपके फेवर में, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये ग्लिच। और अब बात करते हैं यहाँ से बाहर आने के लिए, तो यहाँ से बाहर आने के लिए आपको यहाँ पर प्रोन होना है और आगे को स्लाइड करना है, तो आप यहाँ से इजीली बाहर आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे ग्लिच नंबर थर्ड की, जिसकी लोकेशन भी मिलिट्री बेस है, पर ये जो ग्लिच है ये है मिलिट्री बेस से अगर आप नोवो रैपनर को जाते तो उसके बीच में जो केव पड़ती है वहाँ पर, तो आपको इस केव पर आना है जिसका दरवाज़ा बंद है। और यहाँ पर आके आपको इस कॉर्नर पर बैठ जाना है, क्राउच होना है, और आपको अपने पार्टनर से कहना है कि वो प्रोन होकर आपको अंदर को पुश करे, और जैसे ही वो आपको अंदर को पुश करेगा और आप केव के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर से आप केव के अंदर आ गए तो और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लूट मिल सकती है, मे बी यहाँ पर फ्लेयर गन भी आपको मिल सकती है, पर इस ग्लिच के चलते हुए आप अंदर से फायर नहीं कर सकते। पर यहाँ पर से आप काफ़ी ज़्यादा एंगल होल्ड कर सकते हैं, आप एनिमीज़ की पोजीशन बता सकते हैं अपनी स्क्वाड को कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप काफ़ी ज़्यादा एंगल होल्ड कर पा रहे हैं। तो मैं आपको मेन बताता हूँ कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकलें। यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी आपको जैसे सेल्टर में आपको जंप करना था वैसे यहाँ पर भी जंप करना है और आप सीधे केव के ऊपर आ जाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई एनिमीज़ ना हो उस वक्त, क्योंकि अगर उस टाइम पे यहाँ पर एनिमीज़ हुए तो आप केव के बाहर आने के साथ साथ गेम के बाहर भी जाएंगे। और जो हमारा ग्लिच नंबर 4 है, इसकी जो लोकेशन है वो वॉच टावर है, कई लोग इसे स्नाइपर टावर भी कहते हैं। तो इस ग्लिच में आपको अपने टीममेट से कहना है कि वो बॉक्स के उस कॉर्नर पर जाके खड़ा हो जाए और फिर आपको यहाँ पर से जंप करने बॉक्स के ऊपर चढ़ना है। और जैसे ही आप बॉक्स के ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ पर से आपको जो वॉच टावर के ऊपर वाला फ्लोर है उसके एनिमी इजीली दिखेंगे और आप उन पर फायर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एनिमी को नॉक कर दिया और उसे पता भी नहीं चलेगा कि जिसने उसे नॉक करा वो है कहाँ पर। और मोस्टली एनिमीज़ बचने के लिए और अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए वॉच टावर के साइड में एक छोटा सा रूम होता है वहाँ पर चले जाते हैं, तो आप उन्हें नीचे से वहाँ पर भी शूट कर सकते हैं ईजिली। गाइस, ये कुछ ग्लिचेस थे जिनके बारे में मुझे पता चला और सबसे पहले मैंने आपको बताया। और तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर
अब फ्यूचर में मैं कोई ग्लिचेस लाऊं तो आपके एनिमीज से पहले आपको उन ग्लिचेस के बारे में पता हो। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और वीडियो को लाइक दें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी पता चले, और करें चिकन डिनर।